स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों। ये है बजाज कंपनी का डिस्क कवर बाइक है। इसका डिस्क कैलिपर ख़राब हो चुकी है, जैसे कि व्हील डिस्क मारने के बाद व्हील जाम कर रहा है और इंजन ओवरहीट हो रहा है। तो इंजन तो ओवरहीट होगा जब व्हील आपका जाम रहेगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क ब्रेक वाला जो बाइक है, इसका प्रॉब्लम हर कोई बाइक में होता है। जब नया कोई डिस्क ब्रेक शू लगाता है तो व्हील जाम करता है। तो क्यों होता है दोस्तों ये? जब ओल्ड ब्रेक शू रहता है तो व्हील क्यों जाम नहीं करता और न्यू लगाने के बाद क्यों जाम करता है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों। ठीक है, देखो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ इसका व्हील कितना जाम पे। और इसमें मैं 4-5 दिन हुआ इसको, इसका जो अंदर ब्रेक शू है मैंने इसे नया डाला है। नया डालने के बाद ही ये बीमारी चालू हुआ है। तो इसको मैं खोलूँगा, इसके अंदर जितना भी किट है, जैसे कि ओरिंग रहता है पिस्टन के अंदर, वो ज़्यादा दिन हो चुकी है आपको 20,000 से 25,000 किलोमीटर चलाने तक इसका जो अंदर किट है, किट वगैरह निकाल के नया लगाना पड़ेगा, तब जाके चालू होगा। तो चलो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ पूरा खोलने के लिए। ये 12 नंबर बोल्ट है, पहले इसे खोलना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये कैलिपर नहीं आ रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मारना पड़ेगा। इसका कैम जो है, कैलिपर का कैम जाम कर रहा है। ये ब्रेक मारने के बाद छोड़ देगा लेकिन नहीं छोड़ रहा है, इसका कारण ये व्हील जाम कर रहा है। तो मैं इसे खोलूँगा और पूरा आपको दिखाऊँगा कितना जाम कर रहा है। देखो अब जाके कैलिपर खोला और मैं व्हील आपको दिखा देता हूँ कितना फ्री है। थोड़ा सा ही चल जाता है, इसको जाम करके रखा है। जैसे कि ये डिस्क कैलिपर है मेरा हाथ, और जब ब्रेक मारता है तो इसको दबाता है, इसके बाद ब्रेक छोड़ने से ही ये छोड़ देगा लेकिन नहीं छोड़ रहा है। इसके अंदर जो सामान है ये नहीं क्लियर से रिटर्न दे रहा है, तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा। क्यों रिटर्न नहीं दे रहा है मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इसका जो एलिंग की नाट है मुझे लगा कर ही ढीला देना पड़ेगा। पहले मैं इसे ढीला दे देता हूँ, उसके बाद पूरा जाम है। और ये कंपनी का सेटिंग जाम है, इसे ढीला देना पड़ेगा। देखो कितना टाइट है, पूरा टाइट है ना। अब ये खुल चुकी है, अब मैं इस पिस्टन को किस तरह से निकालूं, ये अपने आप नहीं निकलेगा। तो चलो उसे पंचिंग करो, इसे पंचिंग करो, ये आहिस्ते आहिस्ते करके आएगा। और जो ज़्यादा आता है उसे मैं दबा के रखूँगा, तब जाके ये दूसरा वाला आएगा। देखो अब ये ज़्यादा हो गया है, अब इसको मैं दबाऊँगा। अब मैं इसको दबा रहा हूँ क्योंकि अब दोनों आएगा अपने आप। चलो उसको निकालो, बस कंप्रेसर ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लास से टानना पड़ेगा। बढ़िया नीचे दिखाने धरे जगह देखो, हाँ इस तरह से करके डालो, आ जाएगा। बस ये निकल गया, अब दूसरे को निकालो। बस ये दोनों पिस्टन निकल चुकी है, अब मुझे इस वरिंग सम को निकालना है। तो दोस्तों ये रबार क्या हुआ आपको पता है, ये रबार मोटा हो चुकी है। इसका जब हम नया लगाते हैं इससे मी रहता है और ये स्टैंडर्ड रहता है। जब ये कुछ दिन चलने के बाद, जैसे कि 20,000 किलोमीटर चलने के बाद ये फूल जाता है और ये ख़राब हो जाता है। फूलने के कारण
इसका जो ये जो पिस्टन पिस्टन होता है इसके अंदर जाम करता है, ठीक है। इसका कारण ये कैलिपर रिटर्न नहीं देता है, कैम रिटर्न नहीं देता है। तो इस चीज़ को मैं पूरा वॉश करूँगा। यहाँ देखो कितना मैल है और कितना कचरा है, ये सब चीज़ को मैं पर हटा के क्लियर करके नया किट डालूंगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ नया किट का कितना कीमत है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मार्केट से मैं ले आया ये पूरा ओरिंग का किट है, और यहाँ जेली भी है, हर कोई चीज़ है यहाँ। इसका कीमत है दोस्तों 99 रुपीज, और मैं इसे ऑयल डालेंगे। इसका 36 रुपये क्रीन है। तो DOT 3 ब्रेक ऑयल का मॉडल नंबर है दोस्तों। ब्रेक ऑयल होता है DOT 3 होता है ब्रेक ऑयल के लिए बेस्ट। तो ये है एक नया कंपनी मिंडा ने बार किया है, UNO मिंडा, और ये डिस्क ब्रेक ऑयल है। तो चलो इस किट को असेंबली करते हैं और आप लोगों को दिखाता है व्हील फ्री होता है कि नहीं। पूरा किट को वॉश कर लिया है, ब्रेक ऑयल दे के वॉश किया है। पहले पेट्रोल देकर धो लीजिए, उसके बाद ब्रेक ऑयल से अच्छा से वॉश हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर जितना भी कचरा है आपको निकालना पड़ेगा। जितना भी कचरा है इस तरह से एक चीज़ आपको लेना पड़ेगा, तब जाके ये हेल्दी होगा। और इसके अंदर जो हम वोरिंग लगाएंगे, ये बॉबी की मैल है, अगर एक भी मैल रहा तो पिस्टन जाम करेगा। तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, नया किट लगाने के बाद अगर व्हील जाम करे तो क्या फ़ायदा। चलो अच्छा से एक बार इसके अंदर जितना भी कचरा है इसे मैं निकाल देता हूँ। दोस्तों देखो इसके अंदर ये भी रबाड़ है और हर कोई चीज़ है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका रबाड़ जो है ये फूल चुकी है, कितना मोटा है, ये ख़राब हो चुकी है। तो चलो मैं इसे असेंबली करूँगा और आपको दिखाऊँगा। ये काला वाला मोटा है, मैं नीचे लगाऊँगा, किस तरह से लगा रहा हूँ देखो। ये लग चुकी है और थोड़ा मार्कुल से मुझे इसे इस तरह से करना पड़ेगा। बस ये पूरा सेटिंग हो गया, और इसको ऊपर डालेंगे। बस ये आराम से सेटिंग हो गया। अब चलो नीचे वाला लगाते हैं। बस ये भी सेटिंग हो गया, और इसे ये भी सेटिंग हो गया। अब दोस्तों मुझे ये थोड़ा जेली देना पड़ेगा, पेट्रोल डैम जेली है, इस चीज़ को मुझे यहाँ लगाना है, इस जेली को थोड़ा लगाना है। बस ये पूरा लुब्रिकेंट करेगा और थोड़ा स्टोन में भी लगा देता हूँ, क्योंकि जब हम लगाएंगे तो अपने हाथ से डूब जाना चाहिए। तो दोस्तों देखो ये अपने हाथ से चल जाएगा, देखो अपने हाथ से चल गया, देखो ये अपने हाथ से जा रहा है, ठीक है। एक कोई चोरी नहीं लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ क्या चेक करना पड़ेगा इस चीज़ को, ये फ्री है या जाम है। अगर ये जाम रहे तो इसे फ्री कर लीजिए, क्योंकि ये कैलिपर इसी से खेलता है और इसके अंदर कुछ कचरा वगैरह रहेगा तो कैलिपर जाम करेगा। तो मैं इसके लुब्रिकेंट कर लिया हूँ, वॉश कर लिया हूँ, फिर भी कपड़ा से मैं इसके अंदर जितना भी कचरा है निकाल लूँगा। और एक चीज़ और, जो यहाँ भी एक कचरा होता है देखो, ये कचरा अगर रहेगा तो कैलिपर का जो पिन है उसे जाम कर देगा। बस ये हो गया। तो इस रबार रहता है इसका ग्रुप के अंदर, इसके अंदर रहता है। और दोस्तों ये तो आपको पता है ये ख़राब है, न्यू लगाना पड़ेगा मेरे को। हाँ ये न्यू है,
बस इसको भी हम अंदर ले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, ये नया है और इस साइड से हम टान लेंगे। बस ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलो कैलिपर को सेटिंग करते हैं। उससे पहले मैं इस चीज़ को सेटिंग करूँगा, इस चीज़ को, इसके अंदर जो नॉट बोल्ट है एलिंग की बोल्ट, इसे हम टाइट करेंगे। फाइनल टाइट नहीं दे सकते हैं, जब हम बाइक में ये सेटिंग कर देंगे उसके बाद हम फाइनल टाइट देखें, ठीक है। क्लिप को मुझे थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, जैसे कि इस तरह से हम चाप लेंगे ये टाइट हो जाएगा, क्योंकि गड्ढे में गिरने के बाद ब्रेक शू आवाज़ करता है इस पत्ती के कारण ही। अब हम कैलिपर में थोड़ा लुब्रिकेट करेंगे, इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को दे देंगे। यहाँ ग्रीज भी आप लगा सकते हैं, एक ग्रीज जैसे ही है कोई बात नहीं, मैं इसे लगा दिया, ये लुब्रिकेट करेगा। बस ये आराम से सेटिंग हो गया, ठीक है। ये आराम से खेलना चाहिए, ये मेरा कैलिपर खेलता है। अब मैं ब्रेक शू वगैरह लगाऊंगा, इसका कुछ ये ब्रेक शू मैं 5-6 दिन पहले नया लगाया है, लगाने के बाद ही ये प्रॉब्लम हो चुकी है, व्हील जाम कर रहा है। फिर मेरे पास राजेश भाई आया है, ये राजेश भाई बोल रहा है भाई मेरा बाइक का व्हील जाम कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो पूरा काम कर देता हूँ, खाली ब्रेक शू लगाने से अगर व्हील जाम नहीं करता तो मैं अभी खोलता नहीं, जाम करने लगा है इसीलिए मैंने इसको खोला। और चलो सेटिंग कर देता हूँ ब्रेक शू को। ब्रेक शू आपको अच्छी तरह से गछाना है, उसके बाद ये सब कुछ काम करना है आपको। बस इस बोर्ड को वहीं लगा दूंगा, अभी थोड़ा जाम है, बस ये लिंकी दे दो। तो दोस्तों सेटिंग हो चुकी है, अब मुझे कंप्रेसर लाना है, तो किस तरह से लाए, अभी ये कंप्रेसर काम नहीं करेगा, देखो फेल हो चुकी है ब्रेक। तो पहले ये सब लगा देता हूँ नट वगैरह, उसके बाद मैं कंप्रेसर लाऊंगा और इसका हवा छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ब्रेक काम करेगा। कंप्रेसर अभी आया नहीं, कंप्रेसर जब आएगा तब पता चलेगा। तो चलो इस नट को टाइट कर देते हैं, ये जो बोर्ड मैंने ढीला किया था इसे अच्छा से टाइट कर दूंगा, वरना जब कंप्रेसर हाई हो जाएगा तो ये नट इस खोलने का चांस रहता है और इसका डिस्क ब्रेक ठीक से नहीं आएगा। तो चलो मैं इसे टाइट कर दिया, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं, इसमें ब्रेक ऑयल देना पड़ेगा और उसको वॉश करना पड़ेगा। तो चलो इसको मैं खोलता हूँ, ब्रेक ऑयल डालना पड़ेगा क्योंकि नीचे जब खोला है तो ब्रेक ऑयल पूरा गिर चुकी है, देखो इसके अंदर थोड़ा बहुत है। तो मैं नया ऑयल डालूँगा, इसे जितना भी ऑयल है मैं कपड़े में पोंछ लेता हूँ और इसको थोड़ा क्लियर भी कर लूँगा। तो दोस्तों जिस नाट को मैं खोल के हवा निकालने वाला था वो नाट मेरे हाथ से टूट गया, क्योंकि ज़्यादा से बाइक में यही प्रॉब्लम होता है। तो चलो मैं इस नाट को और हवा नहीं खोलूँगा, दूसरे हिसाब से मैं इसे एयर को निकालूंगा और वो हवा का जो नाट है टूट चुकी है, तो मैं यहाँ से हवा दे दूँगा। तो चलो इसे मैं निकालता हूँ, निकालने के बाद इस तरह से बाहर करेंगे और दोबारा ढुकाएंगे, बस ये बाइक में हवा आ जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, व्हील को घुमाओ।
हवा आ चुकी है, बस हम इसके अंदर लॉक वगैरह लगा देंगे, ठीक है। देखो एकदम फ्री हो चुकी है और ब्रेक कर रहे हैं बस एकदम फ्री बस उठा। तो दोस्तों इसी तरह डिस्कलेवर का काम करते हैं। अगर वीडियो हमारा थोड़ी भी अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीत भाई गुरु का।